बस keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, maybe I can take. चित्त को आपने मन को शांति कीजिए ताकि आप जिस विषय पे आपने कार्य किया है ताकि वो पूजा संपन्न हो। इतना इतना दूर से आए हो पुण्य कमाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, तो इसलिए सभी लोग श्रद्धा होकर ध्यान साधना पूर्वक करते रहेंगे। मैंने सुना है कोई लोग पुणे से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से, मतलब ऐसे अच्छे कामों पर आए हैं, तो इसलिए ताकि आप लोगों को जीवन पे सुख शांति वृद्धि हो, क्योंकि ऐसे कामों में शामिल होने से पुण्य मिलता है। आप सभी को मालूम है पुण्य क्या होता है, इसी कामों में शामिल होने से पुण्य मिलता है, हमारे जीवन में शांति मिलती है, तो इसलिए सभी लोग अपने चित्त को श्रद्धा करके मालूम है ना पंचशील का मार्ग क्या होता है। अगर मालूम है तो मैं उनकी डिटेल ही नहीं जाऊंगा, अगर मालूम नहीं है तो थोड़ा बहुत बता दूंगा तो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि जितना आप दम्म की बातें बोलोगे कभी भी खत्म नहीं होगा। जितना आप डीपली जाओगे उतना आप लोगों को और ज्ञान मिलेगा और आपको पता होने लगेगा। आप लोगों सभी को पंचशील का मार्ग करना है ना, तो इसलिए हमें पंचशील का पालन करना चाहिए कि आप सभी लोगों को पंचशील ग्रहण करना चाहिए, ताकि पंचशील का अर्थ मालूम नहीं होगा तो आप आने वाले पीढ़ी को कंट्रोल में नहीं रख पाओगे, इधर उधर किसी का हत्या करेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी को गलत व्यवहार करेंगे, किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो उसकी वजह से आप लोगों के घर में कभी सुख शांति नहीं आएगा, उनकी वजह से आप लोगों के जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर आप बाबा साहब ने कहा है कि बुद्ध धर्म को प्रचार करो, तो ये अगर आप लोगों को जितना भी मालूम है अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो ये बुद्ध धर्म ऐसे ही रह जाएगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस बुद्ध धर्म को ज़्यादातर किसने समझा है। अगर आप लोग बुक वगैरह नहीं पढ़ोगे
अगर आप बंदी से बुद्ध प्रवचन नहीं सुनोगे तो आपको कभी भी बुद्ध धर्म के बारे में मालूम नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर बुद्ध धर्म को किसने समझा है कि मेरा साथ बुद्ध पूजा है, धम्म पूजा, संघ पूजा करेंगे, पुष्प पूजा, सुगंधित बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। सभी लोग हाथ जोड़ के मेरा साथ त्रिशरण पंचशील के लिए याचना करेंगे, हाथ जोड़ के मेरा साथ। ओकाशभन्दामि भन्ते द्वारतेनं अपराधं मम तु मे भन्ते ओकाशहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं यच्छामि अनुबाहं गत्वा शीलं देधा मे भन्ते दोत्यम्पि तात्यम्पि ओकाशहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं यच्छामि अनुबाहं गत्वा शीलं देथा मे भन्ते यहमहं वदमि तं वदेताम् अहं मन्ते अहं मन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि अहं मन्ते पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अधिन्नदानावैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारावैरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादावैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठानावैरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु इमान्ति शरणेन साधिं पञ्चशीलं धम्मं सदुपां सुरं गत्वा कत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेत अहं बन्ते साधु नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पीसो भगवन् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विज्जसरणं सम्पन्नो सुगतो कवितो अनुत्तरो पुरिषधम्मा नारति सत्तादेव अनुसारं बुद्धो भगवति स्वामातो मधी मधी एंटरटेनमेंट है क्या कैसा मस्त भगवतो सर्वसंगो यदिदं सत्तारो पुरिषयोगानि अत्ता पुरिषपूगला येष भगवतो सर्वसंगो आहुनियो आहुनियो हक्किनियो अञ्जलि करणियो अनुत्तरम् कुलंकेतम् लोकसाती साधु 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 ठीक है सभी लोग नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणी शिखापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणी शिखापदं समाधियामि कामेषु मिच्छा
चारा वीरमणी सिखा पदं समाधियामि मूसावादा वीरमणी सिखा पदं समाधियामि सुरामेरय मज्जपमादठाणा वीरमणी सिखापदं समाधियामि सब पापसकरणं कुसलसौपसंपदा सचित्तपर्योदपणं एतं बुद्धानसासनं साधु साधु